तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे छत पे और हम काम करेंगे। कल मेरा ये जो काम छोड़ के गई थी ना, देखो ये उसको पूरा करना है मुझे, तो वो कर लेंगे। और आज थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, वो ज़्यादा हुआ तो काम में दिक्कत नहीं रही, काम आधा छोड़ के मैं चली जाऊँगी। तो मैंने सोचा कुछ कुछ काम किया जाए गार्डन में। तो देखो पहले मैं क्या काम कर रही हूँ आपको बता देती हूँ, और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो आपको पता है कि क्या करना है। तो शुरू करते हैं हमारे गार्डन का, ये वाला ब्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, कुछ भी कह लो। तो क्या, बस शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने ये वाला कंपोस्ट सुखाने के लिए डाल दिया है इस तरीके से, यहाँ धूप में ये सुबह से डाल दिया था, आई थी जब, और ये अब अच्छे से बढ़िया से सूख जाएगा, फिर वापस भर देंगे। तो इस तरीके से एक दो बार इसको धूप भी पूरी दिखानी ज़रूरी होती है, और पूरे गार्डन का एक बार आपको बर्फ भी देती हूँ फटाफट से। तो इस तरीके से ये मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन है, ये कल आना भूल गई थी इस तरीके से। और जिस जिसने भी कल मेरी वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि ये मैं कल ऐसे ही छोड़ के चली गई थी, ये मेरा कल काम चल रहा था और उसको मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी सम रीज़न। तो बस अभी वो करना है। और ये मेरा इंडोर एरिया हो जाता है इस तरीके से, यहाँ ये सारा इंडोर एरिया है मेरा, और ये मेरा वर्क प्लेस कह लो कुछ काम करने का। और ये फिर इस साइड, ये हमारे इस साइड ये सारे इंडोर प्लांट्स रहते हैं, इस साइड यहाँ हैंगिंग ऊपर, और ये नीचे ऐसे। कल मैंने कलीडियम के बल्ब लगा दिए थे वहाँ। तो इस तरीके से एक एरिया ये हो जाता है हमारा इंडोर प्लांट्स का, एक एरिया ये हो जाता है ऐसे। यहाँ ऊपर हमारे सारे ये वाले प्लांट रहते हैं जिसको धूप की ज़रूरत है, उधर भी सारे वही रहते हैं। ये सारे हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स थे, सारे के सारे थे, इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अब जाएंगे ये। और देखो आपको दिखाती हूँ गुलाब कितने अच्छे खिले हैं अभी, ये देखो कितने अच्छी ब्लूमिंग पर आ रखे हैं हमारे ये रोज़ेस, साइज़ देखो। और बस इस तरीके से ऐसे ये ऐसे इधर ये रहते हैं, और येलो रोज़ खिला है कल भी मैंने वीडियो में दिखा, देखो और भी बर्ड्स के लिए 1, 2, 3 एंड 4 चार इसमें खिली हैं हमारे बर्ड्स। और इस तरीके से ये हमारा पूरा टेरेस का गार्डन ही रहता है, वहाँ भी प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं। तो चलो ठीक है, काम शुरू करते हैं फटाफट से। तो कल हम किस काम को छोड़ के बैठे थे आपको बताऊँ, ये वाला काम, फॉरेस्ट्री फंड वाला, आइए रामा बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से मुझे बस जस्ट मेरी क्लास छूटी है, तो मैंने सोचा फटाफट से ऊपर आया जाए, सभी पौधों को मुझे पानी भी डालना है। तो पानी सब सूख गए हैं, मैंने शायद परसों पानी डाला था पौधों में, तो ये देखो इस तरीके से सब सूख गए। तो फटाफट बस इतना ये काम करके उसके बाद पानी डालूँगी पौधों को। देखो जो भी मुझे जानते हैं और मेरी गार्डनिंग की वीडियोज़ देखते हैं उनको पता है कि सबसे पहले मैं सेटअप क्रिएट करती हूँ कि मतलब लुक वाइज कैसा चाहेगा, बेतरतीब तरीके से लगाने से कोई सेंस नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं दिखता। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये रिपोर्ट करने से पहले जगह सेट कर ली जाए, तो मैं पहले जगह सेट कर रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सारा चेंज कर लिया है, अभी कुछ नहीं किया है, देखो जैसे आपको दिख रहा है ये सब ऐसा ही है। तो ये जो ग्रीन ग्रास थी ना वो मैंने यहाँ लगे इस तरीके से रख दिए यहाँ, ठीक है। और ये सब हटा दिया है मैंने, यहाँ जितने भी प्लांट थे मेरे ये एस्पेरेगस ये यहाँ रख दिए, लिली यहाँ रख दिए, लिली इसमें से निकाल दिए थे, और ये वाला इधर रख दिया, और ये सारे इधर ला के रख दिए। तो ये जगह मेरी हो गई है ऑलमोस्ट खाली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा और ये अंकल और ये आंटी रख दी है हमने इधर, अब यहाँ की जगह की कर लीजिए थोड़ी बहुत क्लीनिंग के बाद थोड़ा सा सेटअप क्रिएट करके ये जगह, ये रखने का है इतने बड़े बड़े प्लांट है मुझे। और ये अभी शेड में रहेंगे क्योंकि ये इन्हें धूप नहीं चाहिए, धूप ज़्यादा लगेगी तो इन्हें ये जल जाएंगे मतलब, तो इन्हें रखना है मुझे सेमी शेडी एरिया में, इसलिए मैंने ये सारा पहले सेटअप तैयार करूँगी, इसके बाद फिर पौधे लगाऊँगी। तो फटाफट से अब आपसे मिलते हैं पूरा सेटअप क्रिएट करने के बाद में। तो इस तरीके से देखो काम करते करते हो गई है, कितने बज गई है 6:15 हो गई है, और मिट्टी विट्टी सब ले आई हूँ यहाँ, पॉटिंग मिक्स मैंने ले आई हूँ, वहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी है सारी, और वो बना के वो वहाँ पीछे रखा है अभी। तो और पौधे में समय पानी देना है, अभी मैं बहुत लेट जाऊँगी, मैं फटाफट इसकी वो, और हाँ यहाँ इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है, दो गमले वहाँ रखूँगी, फिर इसमें पॉटिंग मिक्स भर के इसको कर दूँगी। और तो क्या, मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है वीडियो वगैरह बनाने में लगी। तो देखो इस तरीके से ये मैंने लगा दिया, अरे ब्लर आ रहा है यार, लेट हो रही, ऊपर से ब्लर आ रहा है, रुको। तो इस तरीके से घड़ी में बच चुके हैं 6, यहाँ थोड़ी सफाई कर दूँ, मिट्टी मिट्टी हो रही थी, और मिट्टी
तो इस तरीके से घड़ी में बज चुकी है 6:30 और मैंने सारा ही काम कर लिया है। मतलब इनको पहले आके सबसे ज़्यादा टाइम तो पॉटिंग में इसको रिपोर्ट करने में नहीं लगा, क्योंकि इसको मैंने कोई मतलब मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं किया है, जस्ट अपना पॉटिंग मिक्स लगाया जो कि आपको सबको पता है कि मैं कौन सा रखती हूँ, मेरा पॉटिंग मिक्स कैसा होता है, और उसमें इसके उसको सीधा उतार दिया और इस तरह फॉक्सटेल फैन मैंने लगा दिया। और यहाँ शेड में रहेंगे, यहाँ सुबह सुबह की धूप आएगी थोड़ी सी देर की और सेमी शेडी एरिया में दिन भर आएंगे। तो बस इस तरीके से ने सेट कर दिया और ये पूरा मेरा सेटअप इस तरीके से हो चुका है तैयार। अब मैं पौधों को पानी दे देती हूँ, शावरिंग कर देती हूँ और जाते हैं फिर नीचे, बहुत लेट हो गया यार। तो चलो ठीक है, इसी तरह वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो पता है कि फ्रेंड्स क्या करना है। ओके बाय।